आज के वीडियो में हम पाकिस्तान के दो बड़े सियासी शख्सियत इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान मुख्तलिफ मौजनों पर बात करेंगे। पहला, सियासी पेशावरी। इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान हैं, मगर उनकी सियासती पेशावरी में बहुत फर्क है। इमरान खान को अमूमन अवाम का लीडर माना जाता है, जबकि नवाज शरीफ को दानिश्वरी सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। दो, अदालती मामलात। नवाज शरीफ के सियासी करियर में अदालती मामलात का बहुत बड़ा किरदार रहा। उनके कई इंतखाबी दौरानिया में अदालतों में मुख्तलिफ मामलात के बाद उनको हुकूमत से हटाना पड़ा। इमरान खान के मुकाबले में उनके खिलाफ इतने बड़े अदालती मामलात नहीं रहे हैं। तीन, सियासती और इन्फाक बदलाव। इमरान खान ने अवाम को अपने इंतखाबी वादों पर अमल करने का वादा किया और उनकी हुकूमत में बड़े सियासती और इन्फाक बदलाव किए गए। नवाज शरीफ की हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर मबनी रहीं और उनके मुख्तलिफ दौरानिया में मईशत में बेहतरी हुई। चार, जमीनी अकीदत। इमरान खान अमूमन पाकिस्तान के फास्ताई हलूल और अदलिया को मजबूत करने की बात करते हैं, जबकि नवाज शरीफ को जमीनी अकीदत के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। पाँच, सियासत में आमदनी। नवाज शरीफ के खानदान को अमूमन रायबनी करप्शन का इल्जाम है, जबकि इमरान खान पर घड़ी चौराने का इल्जाम लगाया गया। इमरान खान के खिलाफ इंतखाबात में ज्यादा जवाब देने की बेहतरी हुई। ये थे इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान मुख्तलिफ तफोतों की चंद मिसालें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो बड़ा करम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। शुक्रिया।